नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन बनाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। स्वामी जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? सदगुरु, सदगुरु इष्ट देव है। सतगुरु जी से आपका क्या तात्पर्य है? सदगुरु जो सच्चा ज्ञान देने वाला मनुष्य है। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं। सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारख सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है। सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का, और कुछ सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, और असत्य आता है इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता यह है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारख पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में मानते हो? तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं। बिल्कुल मनुष्य इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहने की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, आपके पंथ का मूल सिद्धांत क्या है तथा किस ग्रंथ से प्रमाणित है? मूल सिद्धांत तो मैंने बता दिया थोड़े में। मानव के साथ सुंदर बर्ताव, भेदभाव रहित होकर के, और संयमशील को धर्म मानना, जिसमें झगड़ा नहीं है कि भाई नमाज पढ़ता है कि पूजा करता है, मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है, ये झगड़ा नहीं। कहीं भी जाता हो जाए, लेकिन संयम और शील हो। संयमशील नहीं है तो कहीं भी जाए कुछ मतलब नहीं है। और अंततः जो अध्यात्म का विषय है, वो बाहर से लौट करके अंतर्मुख होना, अंतर संतुष्ट होना। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। कबीर बीजक। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है, या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है। नाना मत हैं, उनके मंत्र हैं, और मंत्र जपना बुरा नहीं है। स्वामी जी, ध्यान का मोक्ष मार्ग में या भक्ति मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना। पहला ध्यान तो यह है कि किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर के उसी मन रोकना, आंखें बंद किए तो आंखों में जो गर्मी इत्यादि की दिखाई देती उसी मन ठहराना, या सांस पर मन ठहराना, तो ये सब क्रिया योग हैं, आलंबन है, सहारा है पहले। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, संकल्पों का त्याग करना। अभी आपने सुने कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आ गए। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर दो तीन वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी,
अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा, ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा, ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमात्मा, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं और सर्व ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करता है और सभी द्रव्य पदार्थों के यही निर्माता है। तो जितने भी गुरुजन थे उनको जनसाधारण यही समझता था कि इन्होंने परमात्मा को जान लिया है और सदग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं ये। जब वो प्रवचन करते थे सदग्रंथों का ही प्रमाण दिया करते थे। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा देखा, सतगुरु की कृपा हुई जिस कारण से दास को प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथों को ठीक ठीक जानने का अवसर मिला, उनको ठीक ठीक जाना। उसके पश्चात इस दास ने जो सत्संग किए तो इस दास के सत्संगों से ये तो सिद्ध हो चुका है कि कबीर इज गॉड। तो अब ये भोले श्रद्धालु ये समझने लगे हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं तो कबीर पंथ तो बहुत पुराना है। तो वो जाते हैं उन पुराने आश्रमों में या अन्य कबीरपंथी जो घनी चटपट बातें करता है वहाँ जाते हैं कि उनके पास फिर यथार्थ मार्ग होगा। इस रामपाल दास को तो ये समझते हैं ये तो अभी लगा है और वहाँ बहुत पुराना आश्रम है, बहुत पुराने संत परंपराएं हैं, महंत परंपराएं हैं। तो ये भी उन भोले श्रद्धालुओं की भूल और दुर्भाग्य होगा कि जो उन कर जाकर फंस जाएंगे। वो तो वही सतीथी होगी आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। इसलिए ये दास चाहता है कि अब इन कबीर पंथियों का झाड़ा ले लूं। दास ने तो झाड़ा ले चुका है, इनका सब तलाशी ले चुका है, इनके पास क्या है। आपके रूबरू करना शेष रह रहा था, अब ये आपके रूबरू कर रहा हूं ताकि आप फिर खजूर पर ना अटकें, वहां ना चले जाएं उन तत्वज्ञानहीन प्राणियों के पास। इसलिए दास का उद्देश्य कोई किसी की निंदा करना नहीं, एक महापरोपकार का कार्य है। जैसे एक बार किसी ने 500-500 के नोट नकली छाप कर जनता में भेज दिए, सरकार को पता लग गया, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख कर दिखाया तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, एक महापरोपकार कर रही थी जो अनिवार्य था उस समय करना, नहीं तो गरीब आदमी सारा दिन में 100 रुपये कमावे, 500 रुपये दो दिन में, 4 दिन में, और वो ठग कर ठगा जाता, कितनी हानि होती उसको, भूखे मरते उसके बच्चे। तो इसी प्रकार जो आपको मनुष्य जीवन की हानि हो रही है इसकी आपको जानकारी नहीं है, इस दास को जानकारी होगी। इसलिए जो इन महापुरुषों ने अनुभव लिखा बोला है वो दिखा रहा हूँ और अपने ISI मार्क के जो सदग्रंथ हैं उनसे तुलना कर रहा हूँ, बस दास का इतना काम है। अब यदि कोई कहे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, यदि आपकी भावनाओं को ठेस मानते हो तो ये समझो कि ये ठेस तो उन्होंने ही पहुँचा रखे जिन्होंने गलत ज्ञान दे रखे आपको। अब जैसे दास ने पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आपके रूबरू किया है जिसमें
पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता। और कोई ये कहे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, फिर माँ विष्णु महेश को नासवान बता के दास ने नहीं पहुँचाई वह ठेस, वह तो वेद व्यास जी ने पहुँचा रखी है आपके, और उसने लिख रखी है, दास ने पढ़ के सुनाई है, दैट्स ऑल। इसी प्रकार कबीर सागर के अंदर जो भी लिखा है कबीर वाणी में, ये धर्मदास जी ने लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, और वो दास आपके सामने खोला है। और इन डुप्लीकेट जो इनका उससे नहीं ज्ञान मिलता कबीर सागर से, कबीर साहिब की महिमा से, कबीर साहिब की वाणी से, जिसका ज्ञान मेल नहीं खाता है तो वो डुप्लीकेट संत है, उससे पीछा छुटवा लेना, इतनी सी बात है। और फिर भी आप समझते हो कि नहीं हमारे गुरुजी बिल्कुल ठीक हैं, तो नो प्रॉब्लम, किसी पर प्रेशर नहीं, दास का कर्तव्य बन गया है, परमात्मा ने इस दास को यह सेवा दी है कि जो कबीर परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, आज दास को सेवा मिली है। और खरी खरी कहते हैं संत कहा वह सोय, जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं होए। तो प्रसंग चल रहा है कि कबीर पंथियों का नंबर आ रहा है, मनुष्य जीवन, परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। यहाँ प्रत्येक प्राणी दुखी है, कोई सुखी नहीं है, और मोक्ष मार्ग का यथार्थ ज्ञान न होने से मानव ने अपना अनुभव बना लिया कि हम सदा यहीं रहेंगे, जन्म मृत्यु हमारी होती रहेगी, जैसा कर्म हमने किया है वैसा हम भोगते ही रहेंगे, ये अटल नियम मान लिया। ये अटल नियम उनके लिए है जिनको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान न होने से अब मानव नास्तिक होने को जा रहा है। नास्तिक होने की शुरुआत अब इस कलयुग में, वर्तमान में, एक पारख सिद्धांत के व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। एक पारख सिद्धांत है, और वर्तमान में इस पारख सिद्धांत के अंदर एक अभिलाष दास नाम के एक संत का बहुत बोलबाला है। इनके विधान और सिद्धांत को देखकर, पारखियों के विधान और सिद्धांत को देखकर, इसको पढ़ और जान समझकर ये कहा जा सकता है पारखी उर्फ नास्तिक ये परमात्मा नहीं मानते, सृष्टि का कोई ईश्वर मालिक नहीं मानते, ये जीव को ही ब्रह्म मानते। ये परमात्मा कबीर जी को केवल एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं, और अपना इष्ट देव और सतगुरु मानते हैं, पारखी नहीं मानते कि कोई ऊपर लोक है जहाँ पर मोक्ष प्राप्त प्राणी मोक्ष प्राप्ति करके चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं मानते। इनको कल्पना मानते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल्पनिक मानते हैं, और ये वेदों को भी सत्य मानते हैं। पारखी अभिलाष दास जी ये भी मानते हैं कि कबीर जी की जो वाणी है वो सत्य है, और ये पारखी अभिलाष दास जी नहीं मानते कि शरीर के अंदर कोई कमल चक्र है, और ये भी कहते हैं कि शरीर को चीर कर देखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में कमलों का अर्थात चक्रों का विवरण आता है, क्या ये सत्य है? हाँ, वो आठ छह चक्र, फिर आठ चक्र का वर्णन आता है, और बीजक व्याख्या में इसको शास्त्रोक्त ढंग से मैंने विवरण से लिखा है, लेकिन सब काल्पनिक है, कहीं नहीं है। वेद में पहली बार आया है अष्टाचक्रानों द्वारा पूरा देवानाम पूर्व योद्धा,
आठ चक्रों का वर्णन वेद में भी आता है, लेकिन है काल्पनिक, कहीं नहीं है। आप प्रश्न करके देख लीजिए, कहीं नहीं है। आपका मानना है कि शरीर में चक्र है ही नहीं? कोई चक्र नहीं है, ये सब तो डॉक्टर स्वयं बताते हैं, और ये कहीं नहीं है, लेकिन कल्पना के आधार पर ये चलता रहता है। ये परमात्मा नहीं मानते और अध्यात्मवादी होने का दावा भी करते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा ही नहीं मानता तो उसका अध्यात्मिकता वहीं नष्ट हो जाती है, वो तो एक नास्तिक व्यक्ति है, अध्यात्म के आसपास भी नहीं है। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही बना परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला, जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं, जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। ये नहीं मानते कि मोक्ष के लिए कोई नाम जाप अनिवार्य है, कोई अनिवार्य नहीं है। औपचारिकता करते हैं, कहते हैं कि कोई नाराज ना हो जा कि कोई जाप करता है तो करता रहे, अच्छी बात है, लेकिन जाप का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। और ये कबीर साहब की वाणी को सत्य भी मानते हैं। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है, या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है, नाना मत हैं, उनके मंत्र हैं, और मंत्र जपना बुरा नहीं है। और कबीर साहब तो बार बार कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि ना हो। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोडी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। नाम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर जीव्या तो वाए भली, जो रट हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। पुण्यात्मा, ऐसे चतुर प्राणी इस पृथ्वी पर अवतरित इसलिए होते हैं कि वो मानव मात्र का नाश करें। जो व्यक्ति एक अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करवा रहा है, इन भोली आत्माओं को मिसगाइड करके, परमात्मा के यथार्थ विधान से, ज्ञान से अपरिचित रख के, अपनी अज्ञान अनुभव को उत्तम जचा के उनको समझा रहा है, तो ये सबसे बड़े शत्रु हैं इस मानव समाज के। यही विचार थे महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध एक नेक व्यक्ति थे, वो वैसी ही बातें किया करते थे जो आम जनता को अच्छी लगती थी, व्यवहारिक बातें थी, जिस कारण से पूरा चीन देश अनुयायी हुआ परमात्मा प्राप्ति के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान से, उस विधि से, उसके अनुयायियों को परमात्मा से मिलने वाला कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं।
अब उसी बीज को ये श्री अभिलाष दास जी पारखी इलाहाबाद गद्दी नसीन, जिसका बुरहानपुर गद्दी से संबंध है, उससे लिंक है, इनके गुरुजी वहाँ रहते थे, ऐसा ये मानते हैं। तो पुण्यात्मा अब इसके सभी अज्ञान विधान को खंडित करते हैं, कंडम करते हैं, परमात्मा के उस सद सदग्रंथों से, उन हमारे प्रमाणित सदग्रंथों से जिनको सर्वमानव सिरोधार्य मानता है। पारखी सिद्धांत के व्यक्ति कबीर जी को अपना इष्ट सदगुरु मानते हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी वो सत्य मानते हैं। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारख पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं, कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में मानते हैं? तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं, बिल्कुल मनुष्य इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरिष्ट हैं। स्वामी जी, पारख सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए आपके पंथ के प्रवर्तक ने कौन से ग्रंथ को आधार माना? वो तो बीजक उनकी वाणी है, बीजक ही उनकी वाणी है मुख्य, उन्होंने उनकी वही रचना है, और फिर उसमें तो सब बातें हैं। आप बीजक पढ़िए तो वेद सास सब कुछ बातें आएंगी। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। कबीर बीजक, अभिलाष दास विशेषकर कबीर बीजक को महत्व देते हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ एक विचार करना अनिवार्य है कि कबीर बीजक, कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, इन सभी का लिपिबद्ध करने वाले आदरणीय धर्मदास साहिब जी ही हैं। अब कोई ये कहे कि कबीर बीजक की वाणी ठीक है, सही है, और अन्य ठीक नहीं है, तो वो दोगला व्यक्ति है, वो डुप्लीकेट मैन है। या तो फिर सारी ये गलती मानो, नहीं तो सबको गलत माने, या फिर सबको ही सत्य माननी पड़ेगी। और वास्तविकता यही है कि वो सब वाणी सत्य है, लेकिन उनको अपने अनुसार उसका अनुवाद करके और अपने अज्ञान सिद्धांत में सहयोगी मानकर कुछ एक अंश किसी सदग्रंथ का लेना भी ये अज्ञानी और तत्व ज्ञानहीन प्राणी के ही लक्षण होते। शरीर में कमलों का अर्थात चक्रों का विवरण आता है, क्या ये सत्य है? हाँ, वो आठ छह चक्र फिर आठ चक्र का वर्णन आता है, और बीजक व्याख्या में इसको शास्त्रोक्त ढंग से मैंने विवरण से लिखा है, लेकिन वो सब काल्पनिक है, कहीं नहीं है। वेद में पहली बार आया है अष्टाचक्रानों द्वारा पूरा देवानाम पूर्व योद्धा, आठ चक्रों का वर्णन वेद में भी आता है, लेकिन है काल्पनिक, कहीं नहीं है। ऑपरेशन करके देख लीजिए, कहीं नहीं है। आपका मानना है कि शरीर में चक्र है ही नहीं? कोई चक्र नहीं है, ये सब तो डॉक्टर स्वयं बताते हैं, और ये कहीं नहीं है, लेकिन कल्पना के आधार पर ये चलता रहता है। अब आपको दिखाते हैं, अभिलाष दास जी कहते हैं कि शरीर में कोई चक्र नहीं है, कोई कमल नहीं है, और इनको चीर कर देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक मार्ग को और स्थूल सिस्टम से चेक नहीं किया जा सकता। अब जैसे जितने भी इस दास के भक्त हैं और ठीक भक्ति नियमानुसार कर रहे हैं, उनको अपनी भक्ति के जो लक्षण होते हैं वो आँखों के सामने दृष्टिगोचर होते हैं, वो सूक्ष्म रूप में होते हैं और साकार होते हैं। हमारी आँखों के सामने बहुत ढेर सारे ऐसे साकार वस्तुएं सामने घूमती नजर आती हैं, और उनको कोई दूरबीन नहीं देख सकती, कोई एक्सरे उनको नहीं कैच कर सकता, और हमें साफ दिखाई देते हैं। तो ये अध्यात्म के आसपास भी व्यक्ति नहीं है जो अध्यात्म मार्ग को और इन स्थूल सिस्टम से चेक करने की कहता है, ये भक्तिहीन और बिल्कुल नास्तिक प्राणी के लक्षण है।
अब आपको दिखाते हैं, ये कहता है कि शरीर में कोई चक्र नहीं है, और ये भी मानता है कि वेदों में लिखा है 8 चक्र हैं, 6 चक्र हैं, और मैं नहीं मानता। तेरे ना मानने से क्या अब अंधा कोई कहे कि मैं नहीं मानता सूर्य है? अब उस अंधे ने दिखाई नहीं देता और वो ना मानता, उसके ना मानने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति विशेष के ना मानने से उस वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। शरीर के अंदर सब कमल हैं और सब प्रमाण वेदों में भी है, और परमात्मा कबीर जी ने भी इसका प्रमाण दिया है, आपके समक्ष करते हैं। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर शब्दावली के अंदर है। तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि मूल कमल दल चतुर बखानो और कलियम जाप लाल रंग मानो। कबीर परमेश्वर जी ने शरीर के अंदर सभी कमलों की जानकारी ली, उनमें से कुछ एक आपको दिखाते हैं। ये एक समझो चित्र है, ये एक मनुष्य का चित्र है और इसमें कमलों की जानकारी दे रखी है। ये कबीर परमात्मा के दिए अध्यात्म ज्ञान उनकी वाणी के आधार से और अनुभव से बनाया है। ये मूल कमल, इसकी 4 पंखड़ियां हैं, ये इसको वैसे आगे दिखाया है लेकिन ये बैक साइड में सब जो बैक बोन पर होते हैं, पिछले रीढ़ की हड्डी पर, गुदा से 2 उंगल ऊपर ये गणेश जी का चक्र है, इसकी 4 पंखड़ियां हैं, लाल इसका रंग है और गणेश देव गणेश है, किलियम जाप है इसका। फिर ये स्वाद कमल है, इसको अधिष्ठान चक्र भी कहते हैं, इसकी 6 पंखड़ियां हैं, सावित्री और ब्रह्मा का अधिपत्य है, स्थान है, ओम इसका जाप है। और ये नाभि कमल है, इसकी 8 पंखड़ियां हैं, चक्र कहो कमल कहो, और विष्णु और लक्ष्मी जी का इस पर निवास है और हरियम इसका जाप है। ये हृदय कमल है, इसकी 12 पंखड़ियां हैं, हृदय कमल कहो चे चक्कर कहो, शिव और पार्वती का निवास है, सोहम इसका जाप है। और कंठ कमल में ये प्रकृति देवी दुर्गा का स्थान है, श्रीयम इसका जाप है, इसको कंठ कमल भी कहते हैं, कंठ चक्र भी कहते हैं। और ये त्रिकुटी कमल है 2 पंखड़ी का, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और सुरत नृत्य से इसका जाप है। ये सहस्र पंखड़ी का कमल है, जिसमें ये 1000 पंखड़ी का कमल चक्र है, कमल कहो चे चक्र कहो। इसी का वर्णन कबीर परमात्मा जी ने अपने शब्द करने नो दीदार महल में प्यारा है उसमें किया है। देखिएगा, मूल कमल पढ़कर सुनाता दास। मूल कमल दल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तां रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है। स्वाद चक्र षटदल विस्तारो, 6 पंखड़ी का दल है स्वाद चक्र का, या स्वादिष्ठान चक्र जिसको बोलते हैं। ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। क्या कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि दूसरा जो चक्र नीचे से, पहले के विषय में बताया है कि मूल कमल में गणेश जी का वास है, 4 पंखड़ियां हैं, लाल रंग है, और इसका किलियम जाप है। फिर दूसरा चक्र बताया है स्वाद चक्र, जिसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, इसकी 6 पंखड़ियां हैं और इसमें शब्द ओंकार यानी ओम शब्द है, इसका ओम जाप है। नाभि कमल में
अष्ट कमल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, रियंग जाप तासमुख गाजा, लक्ष्मी सहित आधारा है। नाभि कमल में आठ पंखड़ियां हैं और विष्णु और लक्ष्मी जी उस पर विराजमान हैं। हरियम जाप है इसका। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द तहां दुन छाई, गन करें जय जयकारा है। क्या बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी के हृदय कमल इन दोनों सतनों के बीच में सेंटर में यहाँ पर बीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ बैकबोन से चिपके हुए ये सभी कमल हैं। इसमें बताया है कि हृदय कमल यानी मध्य का कमल है, इसमें भगवान शिव और पार्वती का निवास है, इनका ये सोहम जाप है और इसकी 12 पंखड़ियां हैं इस कमल चक्र की। षोडश दल कमल कंठ के माही, ताइमद बसे अविद्या बाई, षोडश कमल कंठ के माही ताही बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्म चवर डुराई, जा श्रीयंग नाम उचारा है। अब क्या बता रहे हैं कबीर जी परमेश्वर जी के कंठ कमल में, ये कंठ कमल जो यहाँ है इसके बैक में यहाँ पर इसमें इस अविद्या बाई अर्थात दुर्गा का कमल है, इसकी 16 पंखड़ियाँ हैं और श्रीयम जाप है इसका। फिर बताते हैं उसके ऊपर तापर कंज कमल है बाई, बंग भंवर द्वि रूप लखाई, निज मन करता वहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अपनात्मा ये स्पष्ट हो गया। आगे फिर सहस्रार कमल भी बताया है, घंटा संख सुनो दुनदोई, और सहस कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल भी बताया परमात्मा ने, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल दस पारा है। अब ये आपको सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता था दास के कबीर परमात्मा की वाणी में इन सभी चक्रों का वर्णन है और ये सही है। प्रत्येक मानव शरीर के अंदर स्त्री या पुरुष के शरीर में ये विद्यमान है। अब जैसे अभिलाष दास जी नहीं मानते कि शरीर में कोई कमल या चक्र होते हैं, आपके समक्ष रूबरू कर दिया कि परमेश्वर कबीर जी ने इस मानव शरीर की संरचना की और उस परमात्मा ने अपने द्वारा रचे हुए प्रत्येक पदार्थ का स्वयं ही ज्ञान दिया है। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि शरीर में बहुत सारे कमल हैं, उनकी सती थी और उनके जाप तक का वर्णन किया। उन्हीं से ज्ञान प्राप्त और कबीर परमात्मा आदरणीय गरीबदास परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को अपने सतलोक में लेकर गए, सचखंड में, सतलोक में, अमर लोक में जहां परमात्मा रहते हैं और जहां सभी प्राणी रहा करते थे जो यहां काल के लोक में कष्ट पा रहे हैं और जो मोक्ष की आकांक्षा किए हुए ये वहां से आए थे। उस लोक में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी लेकर गए, उनको वहां सारी सृष्टि, वहां की सब रचनाएं और सब ब्रह्मांडों की रचनाओं की जानकारी दी, आंखों दिखाकर उनको वापस छोड़ दिया और उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया जो अध्यात्म संपूर्ण ज्ञान है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी अमृतवाणी में ब्रह्मवेदी के अंदर कहा है, इन सभी कमलों की जानकारी दी है जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने दी है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी ब्रह्मवेदी में
इस प्रकार वर्णन किया है इन्हीं चक्रों और कमलों का। मूल चक्र गणेश वासा रक्त यानी लाल, रक्त माने ब्लड खून जैसा लाल। मूल कमल गणेश वासा रक्त वर्ण जहाँ जानिए किलियम जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहें ओम जाप जपन तंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने सदगुरु और परमेश्वर कबीर जी की साक्षी देकर कहा है कि ये ज्ञान मेरे सदगुरु ने कबीर परमेश्वर जी ने बताया है। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहें ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहें। कहते नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग बास है हरियम जाप जपन थंसा कोई जानत बिरला दास है। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान मेरे सतगुरु परम पूज्य कबीर जी ने मुझे दिया परमेश्वर जी ने और वो ज्ञान अब मैं बता रहा हूँ इन कमलों की जानकारी ये कोई विशेष एकाद विशेष बिरले दास को ही ज्ञान है अन्यथा सब इससे अपरिचित है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है। हृदय कमल में सती पार्वती और महादेव जी रहते हैं और सोहम जाप जपन थंसा ज्ञान योग भल रंग है। इनके जाप भी बता रहे हैं कि ये करने होते हैं जो हम सभी आपको करने के लिए श्रद्धालुओं को देते हैं। ये हमारा प्राथमिक मंत्र है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी आगे बता रहे हैं कि कंठ कमल में बसे अविद्या ज्यों का तुम जो कबीर परमेश्वर का ज्ञान है एज इट इज तो उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड कर रखा है और आंखों देखा उन्होंने आंखों उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी जो परमात्मा ने रचना की इस शरीर की और उसी को आदरणीय गरीबदास साहिब अपनी दिव्य दृष्टि से देख देख कर एज इट इज बोल दिया कहाँ कहाँ क्या सती थी इस शरीर में और वो स्पष्ट है। कंठ कमल में बस है अविद्या दुर्गा शक्ति देवी ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही लील चक्र मध्यकाल कर्मम आवदम को फांस ही। त्रिकुटी कमल परम हंसपूर्ण सतगुरु समर्थ आप है मन पौना सम सिंध मेलो सुरत नरत का जाप है। फिर सहस कमल दल आप साहेब जो फूलन मदगंध है पूर रहा जगदीश जोगी सत समर्थ निर्बंध है। अब क्या बताया है कि त्रिकुटी कमल में और फिर उसके आगे त्रिकुटी कमल में परमात्मा स्वयं विराजमान है क्योंकि जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है तो जिस देश का राजदूत वहाँ रहता है तो उस देश का रिप्रेजेंटेटिव है वो देश माना जाता है वहाँ का प्रधानमंत्री के रूप समझो वो वहाँ होता है। ऐसे परमात्मा या अन्य रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं। अब यहाँ कहा कि सहस कमल दल आप साहेब जो फूलन मदगंध है सहस्रार कमल ये इस ज्योत निरंजन सरपुरुष अर्थात काल भगवान का कमल है और इसके अंदर परमात्मा की भी उपस्थिति एक ऐसे है जैसे इस प्रकार समझो जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी वो निराकार रूप में उसकी शक्ति प्रत्येक स्टेट में विराजमान है। इसलिए कहा है के सहस कमल दल आप साहेब जो फूलन मदगंध है जैसे फूल की जो सुगंध है और वो उसे निकल कर जा रही है वो दिखाई नहीं देती लेकिन विद्यमान है वो अपना काम कर रही है ऐसे तो ये एकादि भोली आत्मा इस तत्व ज्ञान को ना समझकर विचलित हो जाती हैं कि सहस्रार कमल में ब्रह्मवेदी में तो कबीर साहब कहते समर्थ
आप हैं समर्थ तो कबीर साहब हैं, जबकि सहस्रार कमल तो काल का ब्रह्म का है। तो ये आपकी बालक सोच है, आप इस अग्रम अग्रम में ना पढ़ो, क्योंकि अभी तक आपना ज्ञान ही सुना था, ज्ञान अब प्रारंभ है। तो इस प्रकार इस दास के वचनों पर अब विश्वास करो, क्योंकि ये दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये सदग्रंथों के प्रमाण आपके रूबरू कराता है। और जिन गुढ़ रहस्यों को आप कभी नहीं समझ सकते थे, उन गुढ़ रहस्यों को सिंपल करके, साधारण करके आपको समझा है, बस इतना सा काम। अब अभिलाष दास की ये थ्योरी, ये सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ कि शरीर के अंदर कोई कमल नहीं है। इससे सिद्ध है कि यह पूर्ण रूप से अज्ञानी व्यक्ति है और पूर्ण रूपेण नास्तिक है। और उधर से ये अभिलाष दास जी स्वयं स्वीकार करता है कि वेदों में भी चक्रों का वर्णन है, लेकिन अभिलाष दास जी कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का द्रोही ना कहें तो और क्या कहें, नास्तिक व्यक्ति है ये, और मानव समाज के नाश के लिए ही जन्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वामी जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? सदगुरु, सदगुरु इष्ट देव है। सतगुरु, सतगुरु जी से आपका क्या तात्पर्य है? सदगुरु जो सच्चा ज्ञान देने वाला मनुष्य है। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं, और सदगुरु महान संत चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारक सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है, सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का, और कुछ सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, और असत्य आता है इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता यह है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं, कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में मानते हैं? तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं, बिल्कुल मनुष्य इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहानी की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही बना परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला, जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं, जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। अब इस अभिलाष दास नास्तिक से किसी ने प्रश्न किया, आपका इष्ट देव कौन है? इसने बताया कि सतगुरु हमारा इष्ट देव है। सतगुरु से आपका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न किया। उत्तर दिया अभिलाष दास जी ने कि जो सच्चा ज्ञान दे वो सतगुरु होता है। ठीक। फिर प्रश्न किया कि क्या जीव ही ब्रह्म है जैसा आप मानते हैं? तो ये कहता है जीव ही ब्रह्म है। फिर इससे प्रश्न किया कि क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? क्या आप कबीर पंथी हैं? ये भी कहते हैं, इसने कहा कि हाँ, मैं कबीर पंथी हूँ। अपुण्यात्मा, एक तरफ तो ये कबीर जी को अपना इष्ट मानते हैं, फिर इनसे प्रश्न किया कि क्या कबीर जी भगवान है? ये कहता नहीं, वो एक जीव है, मानव है। और इस पारख सिद्धांत का और इस पारखी अभिलाष दास का ये कहना कि जीव ही ब्रह्म है, इस सृष्टि का कोई ईश्वर नहीं है जिसने संसार बनाया हो, अप बनाया है,
अपुणात्मा यदि कबीर साहेब भी जीव और जीव ही परमात्मा, अभिलाष दास भी जीव और ये भी परमात्मा, जीव ही भगवान, तो कबीर साहेब भी भगवान, अभिलाष दास भी भगवान, फिर एक भगवान ने दूसरे भगवान को इष्ट मानने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अब भगवान की परिभाषा से भी परिचित नहीं ऐसे व्यक्ति जो ऐसी धारणा रखते हैं। गधा भी जीव, ये अपने शिष्यों की तरफ संकेत करके कहता है कि इनकी पूजा करो, ये सब भगवान है। फिर तो गधा भी भगवान है, वो भी बांध ले एक आश्रम में, कोई बात करते हैं ये लोग, सिर नहीं इनका पैर नहीं, और दावा करते हैं अध्यात्मवादी होने की। स्वामी जी, संसार का कोई उत्पत्ति करता है या स्वयं नर्मदा से बनता है तथा समय आने पर अपने आप बिगड़ जाता है, क्या विशेषण? ना तो बिगड़ जाता है ना सर्वथा बना है। ये बीज है पहले वृक्ष, अंडा है कि मुर्गी, ये प्रवाहरूप अनादि अनंत है। द्रव्य नित्य हैं, उनमें गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से सृष्टि क्रम नित्य है। ये कहीं ना आरंभ है ना अंत है, ये सब समय चलता रहता है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। आप यही समझ लीजिए, विज्ञान से देख लीजिए कि द्रव्य जितना है उतना ही रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है। और हर द्रव्य में क्रिया है, गति है, गुणधर्म है, और जिन गुणधर्मों और क्रियाओं से सृष्टि होती है वो गुणधर्म मूल द्रव्य में नित्य हैं। इसलिए सदा से जड़ चेतन है, सदा से उनके गुणधर्म हैं और सदा से उनका प्रवाह है। अब इस अभिलाष दास नास्तिक से प्रश्न किया कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। ये क्या कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति हुई ही नहीं, और यहाँ तक कहते हैं कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई, सृष्टि का प्रारंभ हुआ ही नहीं। इनकी अकल देखो, और इनके पीछे भी बहुत बोली वाली श्रद्धालु लगे हुए हैं। अरे पहले चाहे अंडा हुआ या मुर्गी हुई, प्रारंभ तो किसी वस्तु का हुआ ही है, और ये कहना कि इसका कोई प्रारंभ ही नहीं, इसका कोई अंत नहीं, ये तो अनादि काल से प्रवाह रूप से अनादि है। प्रवाह रूप तो बाद में बना, पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर अलग बात है कि जब तक हमें यथार्थ मार्ग नहीं मिला तो हम जन्मते मरते रहे, ये अपना सिद्धांत मान लिया, अटल नहीं है ये सिद्धांत। स्वामी जी, पारख सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए आपके पंथ के प्रवर्तक ने कौन से ग्रंथ को आधार माना? वो तो बीजक उनकी वाणी है, बीजक ही उनकी वाणी है मुख्य, उन्होंने उनकी वही रचना है, और फिर उसमें तो सब बातें हैं। आप बीजक पढ़िए तो वेद सास सब कुछ बातें आएंगी, वो सब पढ़ने से अपने आप पता चलता है। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। कबीर बीजक। अब इस अभिलाष दास नास्तिक से पूछा गया कि आप जी इस पारख सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए किस ग्रंथ का सहयोग लिया? कबीर बीजक का। अब कबीर बीज का सहयोग क्यों लिया? एक जीव के द्वारा लिखी हुई वाणी को अपने समर्थन में और अपने अज्ञान को बढ़ाने के लिए उसका सहयोग क्यों लेना पड़ा एक दूसरे भगवान ने? अभिलाष दास भी भगवान क्योंकि जीव है, वो कबीर साहब भी उसकी दृष्टि में जीव हैं, तो वो भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, तो इसका मतलब कबीर साहब भी भगवान, अभिलाष दास भी भगवान, तो एक भगवान को दूसरे भगवान से सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस ब्रह्म की यानी ईश्वर की डेफिनेशन समाप्त कर दी इस व्यक्ति ने, परिभाषा ही नाश कर दिया। परमात्मा समर्थ है, सक्षम है, उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, और जीव को परमात्मा के सहयोग की आवश्यकता है। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है, नाना मत हैं, उनके मंत्र हैं, और मंत्र जपना बुरा नहीं है।
स्वामी जी, ध्यान का मोक्ष मार्ग में या भक्ति मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना। पहला ध्यान तो यह है कि किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर के उसे मन रोकना, आंखें बंद किए तो आंखों में जो गर्मी इत्यादि की दिखाई देती उसी मन ठहराना या सांस पर मन ठहराना, तो ये सब क्रिया योग हैं, आलंबन है, सहारा है। पहले अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, संकल्पों का त्याग करना। अब इस अभिलाष दास नास्तिक से प्रश्न किया गया कि जीव को मुक्ति में भक्ति और नाम जाप की आवश्यकता है या नहीं, ये कहता नहीं। जीव को नाम जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं और केवल एक ध्यान लगाना है, और ध्यान की अंतिम स्थिति ये मानता है कि फिर कुछ सोचे नहीं, बस वो फाइनल होगी। तो विचार करने की बात है, एक व्यक्ति कितनी देर तक विचार शून्य हो सकता है? सारा दिन काम भी करना, सारा दिन कुछ ना कुछ और भी दैनिक क्रियाएं करनी होती, तो विचार शून्य कैसे हो पाओगा? यदि 10-20 मिनट, घंटा, आध घंटा विचार शून्य होने की चेष्टा प्रयत्न करता भी रहा तो उससे लाभ क्या होगा? जीव जीव ही रहेगा, जनता मरता ही रहेगा, फिर व्हाट इज यूज, क्या फायदा उस डले डोण का? मोक्ष प्राप्ति के लिए हम परमात्मा की साधना भक्ति करते हैं, और मोक्ष होना ही नहीं, फिर उसका लाभ क्या हुआ फिर ये प्रयत्न करने का? अब इनसे पूछा गया कि आप कबीर साहब को किस रूप में मानते हैं, ये उत्तर देता है कि हम कबीर साहब को एक मानव मानते हैं, एक जीव मानते हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन के विचार। स्वामी जी, शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? अपने स्वरूप में रहता है और कहीं कोई स्थान नहीं है। नाना मतों ने बड़ी बड़ी कल्पनाएं की हैं, वो सब कल्पना है। हर वस्तु अपने आप में रहती है। आत्मा सारी वासनाओं को छोड़ दिया, देह रहते रहते वो निष्काम हो गया, देह में ही मुक्त है। अब देह छूट जाए तो भी मुक्त है, इतनी ही व्याख्या कर सकते हो। उसके लिए कोई लोक नहीं है। जैसे आपने कहा कि नाना पंथों ने नाना प्रकार की व्याख्याएं कर रखी हैं, तो क्या आप उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने क्या क्या व्याख्याएं कर रखी? अरे वो तो बहुत विस्तार है, वो कहाँ तक करोगे, थोड़ा शॉर्ट में बताने। सबके अपने अपने लोक हैं। कृष्ण उपासकों के गो लोक हैं, राम उपासकों के साकेत लोक हैं, शिव उपासकों के शिव लोक हैं, इस्लामियों की जन्नत है, और सबके अपने अपने स्वर्ग हैं। लेकिन वो सब का अर्थ है असली स्वर्ग, असली मोक्ष अपने आप में लौट आना है। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं। सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारख सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है। सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का, और कुछ सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, और असत्य आता है इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता यह है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा। लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा, वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं, तो वेद पहले से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ा। लेकिन स्वामी जी, हमने सुना कि वेदों में परमात्मा को साकार माना। ना ना, तो बहुत गलत है। वेदों को जानते ही नहीं हैं वो तो वैसे कहेंगे। वेदों को ऐसा स्थूल परमात्मा कहीं कोई नहीं माना है वेदों में। वेद में कर्मकांड ज़्यादा है, प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी उपासना ज़्यादा है, और आध्यात्मिक चिंतन जगह जगह है। उसमें कोई स्थूल ईश्वर को कहीं नहीं माना गया है। देहधारी, अवतार, ये सब कहीं कुछ नहीं माना गया है। अभी आपने सुने कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन के विचार। और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद,
परमात्मा को निराकार मानते हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। अब इस अभिलाष दास नास्तिक से किसी ने प्रश्न किया कि आप वेदों को मानते हो, वेदों को पढ़ते हो। ये कहता मैं वेदों को पढ़ता भी हूँ, मैंने वेदों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, वेद क्या कहते हैं। और फिर इससे प्रश्न किया कि वेदों में परमात्मा साकार बताया है। ये कहता नहीं नहीं नहीं, जो ऐसा कहता उसने कोई ज्ञान नहीं है, वेदों में तो कर्म कांड को ही महत्व दिया है। फिर इससे प्रश्न किया कि ये खुद कहता है कि ऊपर कोई लोक नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं, काल्पनिक बातें हैं, मिथ्या है। एक ध्यान रखने योग्य बात है कि एक तरफ तो ये अभिलाष दास जी कबीर परमेश्वर जी की वाणी को सत्य मानता है, दूसरी तरफ ये वेदों को भी सत्य मानता है, और फिर ये भी कहता है कि वेदों में कोई लोक नहीं है और परमात्मा साकार नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है कि वेदों में कोई ऊपर स्थान नहीं है जहाँ भगवान रहता है, और जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं और साकार निराकार का तो मतलब ही नहीं, वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो उसने खाक पढ़ा वेदों को, वो जड़मती व्यक्ति है, भ्रमित कर रहा है अपने अनुयायियों को। वो बोले श्रद्धालु तो एक कोरा कागज होता है, उस पर जैसा लिख दिया जाए वो उसी को स्वीकार करते हैं। अब ये दास एक ऐसी मुहिम छेड़ रहा है कि जन साधारण को ये यथार्थ ज्ञान सदग्रंथों का रूबरू कर रहा है, फिर ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट की पहचान होगी जब दोनों साथ होंगे। अब तो अपनी अपनी सब कह रहे हैं और नाम वेदों और कबीर साहब का ले रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे बोला है, वेदों में ऐसे लिखा है, श्रीमद् भगवद् गीता में ऐसे लिखा है, और फिर अपना अज्ञान सिद्धांत ही समाज में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम अपने सदग्रंथों को आँखों देखकर इन नकलियों से बच जाएंगे। अपने आत्माओं कई श्रद्धालु कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करता है, निंदा करता है दूसरे संतों की। पुण्यात्माओं ये आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार कर रहा ये दास आज। एक दिन वो दिन आएगा ये पूरा मानव समाज इस दास के गुण गाएगा। आज भले ही आप अज्ञानतावश इन मूर्खों के बहकाए हुए कुछ भी बोल सकते हो, आने दो समय, कुछ ही समय की बात है, देखना। अब जैसे एक समय किसी व्यक्ति ने 500 और 1000 के नोट डुप्लीकेट छाप के जनता को ठगना प्रारंभ किया, सरकार को पता लगा, सरकार ने दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों आमने सामने रख के टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बताया कि ये डुप्लीकेट है, इसमें ये वस्तु नहीं, ये ऐसा डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल ये ऐसा है। दोनों की पहचान तभी हो सकती है जब दोनों आस पास हों, साथ साथ हों। तो दास क्या कर रहा है कि सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य और उन महापुरुषों के अपने अनुभव अमृत वचन उन दोनों को टीवी के माध्यम से दिखा रहा है, और इन नकलियों के अनुभव को आपके सामने दिखा रहा है। समाज अपने आप तभी तो समझेगा, दोनों आप साथ साथ होंगे, बस इतना सा काम करा। अब आपको वेदों में रूबरू कराते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, और जिस लोक में परमात्मा रहते हैं उसको दिखाते हैं कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और ध्रुव लोक माने प्रकाश में उस अमर लोक के तीसरे भाग में यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे विराजमान है। सतलोक की तीन डिवीजन है, तीन पोर्शन है, उसके सबसे ऊपर के पोर्शन में
परमात्मा विराजमान है और अन्य दो पोर्शनों में अन्य सृष्टि है। वहाँ की सृष्टि नाशवान नहीं है, वहाँ के मानव नर नारी कभी वृद्ध नहीं होते और उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, इसलिए उसको अविनाशी अजर अमर लोक कहा है। अब वेदों में रूबरू करते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। देखिएगा ये ऋग्वेद और मंडल नंबर 9 दिखाते हैं आप, ये छपा कहाँ से है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 यानी 86 का ये मंत्र नंबर 26 है। इसमें स्पष्ट किया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए, साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अपने विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने इस कबीर का शब्द, हम इसको कबीर बोलते हैं, वह को वह बोलते हैं हम अपनी भाषा में, इसलिए कबीर कहने लगे, इसको कबीर का, कबीर का इन्होंने ऐसे कर दिया अपसर्ग लगा के। यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये शंका का समाधान करना पड़ेगा कि इन्होंने कवि को सर्वज्ञ लिख दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रह लगा हुआ है और इसको संधि छेद करके यहाँ अपसर्ग लगाई जा सकते हैं। अगर यदि कहीं इस यजु शब्द भी लिखा हो तो वहाँ लिखना पड़ेगा यजुर्वेद ऐसे। इसके अंदर दिखाते हैं, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। अब इसके 36 अध्याय पर आते हैं, ये है 36वां अध्याय, 6300 यानी 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, यजु प्रपदे। इस यजु का अर्थ स्वामी जी ने, महर्षि दानंद जी ने यहाँ किया है, तो यजु का अर्थ बिल्कुल ठीक कर दिया, यजुर्वेद लिख दिया। यदि इसका अर्थ कर देता यहाँ पर तो ये अनर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद के विषय में लिखा जा रहा है, भले ही यजु शब्द है तो लिखना पड़ा यजुर्वेद। ठीक इसी प्रकार जहाँ लिखा है कवि, क्योंकि महिमा कबीर लिखा है और महिमा परमात्मा की चल रही है, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव, कबीर साहब, देव माने परमेश्वर। ये देखिएगा एक, ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद, और ये कहाँ से छपा है ये देखते हैं। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, पंडिता राकेश रानी, और ये छपा कहाँ है, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, इतना। और इसमें अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का ये है, चतुर्थ कांड
और अनुवाक नंबर एक का ये है चतुर्थ कांड और प्रथमोनुवाक, इसका मंत्र है यहाँ देखिएगा सातवां मंत्र है। इसमें सातवां मंत्र है ये वाला, इसमें क्या लिखा है, ये अथर्वण पितरम देव बंधु बृहस्पतम नमसावे च गच्छात तम विश्वेशाम जनिता यथा से कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें स्पष्ट लिखा है इन्होंने देव माने परमेश्वर, स्पष्ट हो गया देव माने परमेश्वर, और इन्होंने कबीर का क्या अर्थ कर दिया, कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी, कर दिया डंगा। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर देव है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने मेधावी के, या जैसे यजु शब्द को अगर यहाँ अर्थ कर देते तो लिखना चाहिए था यजुर्वेद, तो यहाँ भी लिखना चाहिए कबीर देव, हम उसको कबीर देव बोलने लगे, कबीर कबीर देव, इसमें कबीर देव है। देखो तवम माने वह है विश्वेशाम पूरे संसार का, जनिता माने उत्पन्न करने वाला, यथा से सह माने वह है कबीर देव, वो कबीर देव है, न दभायत वो काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला है, वो बिल्कुल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वही देव बंधु बृहस्पतिम पितरम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव कहते, वो सारे गुणों युक्त वो कबीर परमेश्वर है। तो यहाँ कबीर देव का अर्थ हो गया देव माने परमेश्वर, यहाँ कबीर माने, इसका साथ जोड़ लेते कबीर देव लिख देते दोनों का इकट्ठा ही, कबीर देव कबीर साहब कबीर भगवान। अब ये प्रमाणित करने के लिए कि जहाँ वेदों में परमात्मा की महिमा कही जा रही है और वहाँ कबीर देव या कबीर या कवि ही लिखा हो तो वहाँ मानना चाहिए कबीर देव कबीर साहब कबीर परमात्मा, और जहाँ पर किसी काव्यकार की महिमा हो तो वहाँ कवि का अर्थ अपने आप वो कवि हो जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद जिसमें परमात्मा को साकार सिद्ध करने जा रहे हैं। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, अथर्वेद भी रख दिया, अब ऋग्वेद फिर उठा लिया, और इसके वही उपप्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा मैरिज दान भवन रामलाल मैदान नई दिल्ली से छपा है, और यहाँ से ये मुद्रित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में हम फिर आते हैं। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान मीन वो साधक भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके रास्ते खोल देता है, आसान कर देता है, उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है। और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी कहते हैं परमात्मा ना कोई किसी को लाभ देता है ना किसी को हानि कर सकता है, तो भगवान मानते ही नहीं, फिर भगवान का दावा भी क्यों करते हैं वो लोग, उस पर विवेचन भी करते हैं। अब इसमें स्पष्ट है कि वो भक्तों के कष्टों को संकटों का मर्दन करता है, विघ्नों का मर्दन करता है, और अब उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अब क्या है कि सतलोक में धूलोक में उस अमर लोक में परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश शरीर है उसका, राजा के समान विराजमान है, बहुत बड़े सिंहासन पर मुकुट धारण किया हुआ है, ऊपर श्वेत ही छत्र है और एक बहुत बड़े महल के अंदर विराजमान है जिसका ऊपर से गुमट नुमा आकार है, वो गुमट नुमा है। तो वहाँ परमात्मा